नमस्कार, मैं हूं खुशबू हजारे। आप देख रहे हैं खबर ठिकाना। यूएस से बहुत बड़ी खबर आ रही है। यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने एक स्टेटमेंट में इस बात को कंफर्म किया है कि यूएस आर्मी ने आईएसआईएस के लीडर को मार गिराया है, आतंकवाद का खात्मा कर दिया है। यूएस आर्मी ने कल सुबह 1 बजे के आसपास सीरिया में जिस जगह पर आईएसआईएस का ये लीडर और इसके लोग अपना जमावड़ा बनाए हुए थे, उसी साइट पर रेड किया और वहां पर गोलीबारी चली, जिसके बाद ये पूरा ऑपरेशन हुआ। अबू इब्राहिम अल हाशमी अल कुरैशी नाम का आईएसआईएस का जो लीडर है, उसे यूएस ने मार गिराया है। गुरुवार को सुबह 1:10 के आसपास यूएस आर्मी नॉर्थ वेस्टर्न सीरिया की उस साइट पर पहुंची जहां पर एक 2 मंजिला इमारत में आईएसआईएस का ये लीडर अपने ग्रुप के लोगों के साथ रह रहा था। यूएस आर्मी को पहले से ही इस जगह की टिप मिल चुकी थी, जिसके बाद यूएस आर्मी अपने हेलीकॉप्टर के पूरे काफिले के साथ उस जगह पर पहुंची। पहले तो यूएस आर्मी वालों ने लोगों को आगाह किया कि अगर बिल्डिंग में कोई बच्चे और औरतें हैं तो वो बाहर आ जाए और सरेंडर कर दे। काफ़ी देर तक ये अनाउंसमेंट चलती रही यूएस आर्मी की तरफ से। कई बार इन लोगों से कहा गया कि सरेंडर कर दो नहीं तो मारे जाओगे। 45 मिनट तक यूएस आर्मी ने इंतज़ार किया कि अंदर से कोई निकलेगा, लेकिन ना कोई आवाज़ आई ना ही कोई बाहर निकला, जिसके बाद यूएस आर्मी की तरफ से ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई। आसपास के लोगों का कहना है कि उनके घरों के खिड़की दरवाजे एकदम आवाज़ करने लगे, जिसके बाद उन्होंने भी देखा कि आखिर ये हुआ क्या है, क्या कोई एयरक्राफ्ट गिरा है या फिर सीरिया के ही आतंकवादी जो है वो बॉम्ब गिरा रहे हैं। लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि ये तो यूएस आर्मी की तरफ से एक टेररिज्म को साफ करने का जो ऑपरेशन है वो चल रहा है। बताया गया कि 2.5 घंटे तक आईएसआईएस और यूएस आर्मी के बीच ये मुठभेड़ चलती रही, जिसमें गोलियां तो चली ही, इसके अलावा 1-2 धमाके भी किए गए। इस धमाके के बाद जिस बिल्डिंग में आईएसआईएस का लीडर रह रहा था उसका पहला माला तो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया। यूएस आर्मी में कोई कैजुअल्टीज नहीं हुई, 100% ऑपरेशन जो है वो सक्सेसफुल हुआ। वहीं इस बिल्डिंग में 13 लोगों को मार गिराया गया, जिसमें एक आईएसआईएस का लीडर था और बाकी लोगों में 6 बच्चे और 4 औरतें भी थी। लोकल्स बताते हैं कि यूएस आर्मी ने पहले ही माइक्रोफोन में अनाउंस कर दिया था कि हम यहाँ अभी गोलाबारी करने वाले हैं और अगर कोई सरेंडर करना चाहता है या औरतें और बच्चे हैं तो वो बाहर आ जाओ और सरेंडर कर दो, लेकिन बिल्डिंग से कोई बाहर नहीं आया। 45 मिनट इंतज़ार करने के बाद यूएस आर्मी ने अंजाम दिया, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ और आज जो बाइडेन ने इस बात की घोषणा की है, उन्होंने कंफर्म किया है कि इस मुठभेड़ में उन्होंने आईएसआईएस के लीडर को मार गिराया है। तो बहुत बड़ी खबर है, आतंकवाद के सफाए में एक बहुत बड़ा कदम यूएस ने उठाया है। खबर ठिकाना में अभी के लिए बस इतना ही। पल पल की अपडेट्स को हिंदी में जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल खबर ठिकाना।